ओम नमः शिवाय। प्यार देखना भी पसंद ना करता हो तो करें 5 मिनट में ये वशीकरण। इस वशीकरण से आप अपने प्यार को केवल और केवल 5 मिनट में अपने वश में कर सकते हैं। जो भी आपका प्यार आपको देखना भी पसंद नहीं करता हो तो इस वशीकरण के करने के बाद वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प उठेगा और वो एक बार आने के बाद आपसे कभी भी दूर नहीं होगा। इस वशीकरण को आपने किस दिन करना है, किस समय करना है, आपको इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए और कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये वशीकरण 5 मिनट में अपना असर दिखाता है। और जो जिस व्यक्ति पर आपने एक बार इस वशीकरण को कर दिया उसके बाद आप उस व्यक्ति पर से इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, वो आपके वश में होगा। और जो भी आप कार्य कहेंगे या वो आपके प्यार में बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। जो भी पुराने साधक साध्वी हमारे चैनल पर बहुत लंबे समय से हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो नए साधक साध्वी है उन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साधक साध्वी नए और पुराने दोनों साधक साध्वी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और उस विधि के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकें। जिस कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं या जो भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा हो, ये 5 मिनट का वशीकरण करने के बाद आपका प्यार जो भी आपसे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करता था, वो आपसे आपको देखना भी पसंद नहीं करता था, एक बार करने के बाद वो आपसे कभी भी दूर नहीं होगा। आपने इस वशीकरण विधि में क्या करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, चाहिए इसमें एक कांच का गिलास या एक कांच की कटोरी, और आपको चाहिए एक प्लेन पेपर। आपने इसमें पेन नहीं लेना है, आपने किसी भी लकड़ से आपने जो आप जिसको आप चाहते हैं उसका नाम और आप उसके बारे में आप इस पर लिख दें। ध्यान रहे आपने इसमें पेन का प्रयोग नहीं करना है, जो भी आपने लिखना है उसको आप इस प्रकार से आप लिख दें। और लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस प्लेन पेपर को आपने इस कांच की कटोरी में आपने रख देना है, और रखने के बाद आपने इसमें जो स्वच्छ जल है वो स्वच्छ जल डालना है। स्वच्छ जल डालने के बाद आपने अपने सर से जो आपने गिलास लिया है या आपने जो कटोरी ली है उस कटोरी को आपने अपने सर से 3 बार आपने उतारना है, और उतारने के बाद आपने इसे अपने रूम में, जिस रूम में आप सोते हैं उसी रूम में आपने पश्चिम और उत्तर के कोने में आपने इस कटोरी को रखना है। जिस रात्रि में आपने इस वशीकरण विधि को करना है, इस वशीकरण विधि को आप किसी भी दिन केवल रात्रि में 7 बजे के बाद आप इस वशीकरण विधि को करें, या आप सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। जब आप इसको कर रहे हों तो आपको कोई रोके ना, टोके ना और किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, और जब आप इसको पूरी विधि विधान के साथ करके आप रखते हैं तो उसके बाद इस कटोरी को या जिसमें भी आपने किया है उस गिलास को कोई हाथ ना लगाए, और आपने पश्चिम और उत्तर के कोने में ही रखना है, और उसके बाद आप सो जाए। अगले दिन सुबह आप उठकर जब आप इसको देखेंगे, यदि इसमें से जो भी आपने लिखा था वो यदि पूरा मिट जाता है, समझिए जिस पर भी आपने इस वशीकरण विधि को किया है तो आपका कार्य पूर्ण हो गया है और आप जिसको भी चाहते हैं वो आपके वश में है। ये 5 मिनट का वशीकरण बहुत ही ज़्यादा कार्यकर है, इसीलिए कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।